नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। इस सप्ताह में सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर गया है और शुक्र जो है अस्त वाली साइड पे हो गया है। इसका डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों पर डिफरेंट तरीके से प्रभाव पड़ेगा। आशा करता हूँ कि पिछले सप्ताह जो मैंने आपको डिफरेंट उपाय बताए थे, जो आपके सप्ताह को अच्छा बनाने में मददगार भी साबित हुए होंगे यदि आपने उपाय किए हैं, आने वाले सप्ताह में इन चीज़ों का जो सूर्य धनु राशि में प्रवेश किए हैं और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रतन है मूंगा, शुभ रोदास है तीन मुखी रोदास, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के हालांकि आसार हैं। बिजनेस टूर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बाहर जाना पड़े तो आपको अवश्य जाना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। इस सप्ताह छात्रों को पढ़ाई में समस्याएँ आ सकती हैं, मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। इस सप्ताह सेहत के मामले में ध्यान रखने की भी जरूरत है। पुरानी बीमारी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। धार्मिक व पवित्र कार्यों में आपका धन खर्च संभव है। तो देखा जाए सप्ताह एक अवैध सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते इसके कुछ उपाय। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए शुभ कार्य रहेगा। मंदिर में आपको मिठाई का दान करना चाहिए। हनुमान जी को आप मंगलवार या शनिवार के दिन चोला या लंगोट का चढ़ाएँ, आपके लिए शुभ कार्य रहेगा। घर के अंदर लाल पुष्प वाले पौधे लगाएँ, चिड़ियों को दाना डालें। आपको चाहिए कि गायत्री मंत्र का रेगुलरली पाठ करें, सभी लोगों का सम्मान करें, वाणी पर संयम रखें, कभी भी किसी के लिए नेगेटिव आपको नहीं बोलना चाहिए, सबसे प्यार से बातें करें। आपको रात्रि को अपने सिर के पास स्फटिक के बॉल में पानी रखकर सोएं और इसमें अपनी उंगली डुबोकर सुबह इस जल को पेड़ के पौधों में या पौधों में आपकी जड़ में चढ़ा दें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। कुष्ठ रोगों की सेवा करना आपके लिए शुभ कार्य रहेगा। कुत्ते को रात्रि के भोजन के पश्चात रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना, ये कुछ उपाय हैं जो इस राशि के जातक यदि करते हैं तो आने वाला सप्ताह आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। जितने भी ये उपाय हम बताते हैं उनमें जो सारांश निकल के आता है वो आता है कि शुद्ध सात्विक जीवन। सात्विक जीवन का मतलब है कि आपको अपने आचार विचार, खाने के जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा एक कहावत है वो एक सत्य कहावत है। यदि हम एक अच्छा सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मन के विचार भी सात्विक होते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी दुखी की सेवा करते हैं या हम उसकी सेवा करके उसको उस दुख से, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं तो भगवान भी ये देखता है कि आपने उसकी सेवा करी तो मैं आपकी सेवा, आपकी सहायता करूँ। तो यदि आप अपने आचार विचार, आप अपने कर्मों से आप किसी भी दुखी व्यक्ति को दान, अपनी इनकम का एक पोर्शन आप डिसाइड करें कि लाइफ लॉन्ग 10% 5% मैं हमेशा गरीबों को, अनाथों को, जो लोगों के पास कुछ नहीं है उनको दान करूंगा, तो वो आपकी इनकम में हमेशा बढ़ोतरी करेगा। ये केवल इनकम ही नहीं, जो इनकम है वो तो आपको फिजिकल फॉर्म में, आपको मनी की फॉर्म में दिखाई दे रही है, बट जिस तरीके के कर्माज आप अपने लिए पॉजिटिव बना रहे हैं तो आप इस लाइफ को लीड कर अल्टीमेटली इस संसार में रहते हुए भी, इस सांसारिक जीवन के साथ साथ भी आप मोक्ष को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला जीवन आपके लिए सुखी और खुश में व्यतीत हो, मैं महागुरु गौरव नमस्कार।